हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशो शांत राधाकांतम गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुते देवी प्रणमामि हरे हा देवी काकू भर गद गदयाद्यवाच जाचे निपत्त भोवि दंडवत उद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुदस्य जनस्य कृत्वा मे गणनं विदे अंगश्यामलिनी छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जर्दञ्जागुडरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिय वृंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कंद निवेशित जलभुजं ध्यायें दामो भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्तास्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणार तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चर कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव जद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहो मे अस्ति दामोदरे। कल प्रभु ने जब उनके हृदय में सत्यव्रत मुनि के हृदय में एक झलक सी दी और उसे देख करके मुग्ध हो गए और देखा जी वो मूर्ति तुरंत चली गई, तब हाय हाय करने लगे, ये मूर्ति हमारी सब समय हमारे हृदय में बसी रहे, इसके लिए उनके हृदय में लालसा जागृत हुई। At first by doing the prayer sadame manasya virastam ki mannai idante okay bapurnath gopal bal sadame manasya virastam by praying this at once that shape of Krishna came in his heart and like a thunderbolt at once went away. Then he began to weep. How I can keep it forever, this Bal Gopal Murti in my heart? This Satyaprat Muni was first
a devotee, not pure Vaishnava or Bhakta. He was in the association of Brahmagyani and Brahmavadi. In Srimad Bhagavat it has been written like this. Satyavrata Muni पहले अपने जीवन के प्रारंभ काल में ज्ञानी भक्त थे, ब्रह्मवादी थे और ब्रह्मवादियों के संग में रहकर अहम पदार्थ त्वं पदार्थ इत्यादि का ज्ञान और अहं भी त्वं है और त्वं भी अहम है इस तरह अहं ग्रह ने ब्रह्मवाद सर्वम खलिदम ब्रह्म नहीं। इस तरह से उपासना करते थे ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के साथ में रहते थे किंतु अंत में किसी भक्तों का किन्हीं भक्तों का संग हुआ क्योंकि मत्स्यदेव ने श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग में ऐसा कहा है कि देखो तुम ब्रह्मवादी ऋषि और मुनियों के संग में रहा करता था इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी ऐसी हो गई है किंतु कुछ भक्तों का संग तुम्हारा हुआ इसलिए मेरा संपर्क तुमसे हुआ इसलिए प्रलय काल में नौका पर मत्स्य जी नौका बने ये नौका को धारण करके अपने सिंह में बांध लिया प्रलय काल में चारों तरफ में घूमते रहे उस समय इनको सत्यव्रत मुनि को उसमें बैठाया था और प्रलय काल कैसा होता था इसका अनुभव भी किया और अनुभव करने के बाद में बहुत दिनों तक प्रलय काल तक उनके सिंह में नौका रहने से और उनका दर्शन करने से इनका चित्त शुद्ध हुआ तब उनकी इन पर कृपा हुई तब उन्होंने कहा ब्रह्मवादियों की के संग से तुम्हारी बुद्धि कुछ ऐसे संकुचित हो गई थी किंतु कुछ भक्तों की ऐसी कृपा थी जिसे तुमने हमारा संग पाया इस प्रलय काल में भी और इससे तुम्हारा चित्त शुद्ध होकर के भगवान की लीला कथाएं तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति हो भगवान की लीला कथाएं और उनके गुण और चरित्र ये सब तुम्हारे हृदय में क्रमशः अवभूत होगा और तुम अब से फिर प्रलय के बाद में तुम शुद्ध भक्तों का तुम संग पाएगा इस तरह से उनको अब उनको वर प्रदान किया तब प्रलय के बाद में भगवान की कृपा से उनको वैष्णवों का संग हुआ शुद्ध भक्तों का संग और तब फिर ये स्फूर्ति उनके हृदय में आने लगी आई टोल्ड ए स्टोरी उपाख्यान फ्रॉम श्रीमद् भागवतम इन फिफ्थ कैंटो एट आठवें स्कंद में इन एट कैंटो इट हैज बीन रिटन देयर वाज प्रलय टाइम प्रलय यू नो एंड एट दैट टाइम भगवान हैज टेकन द शेप ऑफ मत्स्य एंड ए बोट वाज विथ हिम On that Satyavrat, he told to sit on that. And as much as time it was pralaya, he was moving here and there. At that time, he began to pray. Then Matsyadeva told him, You are like a Brahmavadi, and you have taken association, we are in the association of Brahmavadi. And that is why mind has become like Brahmavadi. In Brahmavadi mood, the lila pastimes of Krishna and Krishna glory, his devotee's glory cannot come. But now, for long, long time, lakhs and lakhs Years with me, you are with me. So by my benediction, after this pralaya,
you will associate with very good bhaks. So by the association and by the taking the darshan of Bhagavan Matsyadeva, his heart became pure, and the glories of and pastimes of Bhagavan became coming, manifesting in his heart. So now he is pure and he is praying like this. Is prakar se ve prarthana karte hain. Sangha ka bahut prabhav hai. Main kal यह नहीं कह रहा था कि भगवान के नाम की महिमा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा था। भगवान सर्वोपरि जय युक्त हो, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसा कहा है। सर्वत्र नाम की महिमा है, नाम स्वयं भगवान है, किंतु इनका प्रकाश वैष्णवों के संग साधुओं के संग बिना नहीं होगा। यहां पर कृष्ण यदि स्वयं बंसी लेकर के भी आ जाए और अनर्थग्रस्त व्यक्ति रहेगा, उनको कभी भगवान के रूप में नहीं समझ सकता। कहा जाए ये कोई पागल है या कोई ऐसा है, बहुरूपिया है, क्या क्या है, विश्वास नहीं होगा उसके ऊपर। इफ कृष्ण कम्स इन फ्रंट ऑफ आवर आईज हियर टेकिंग हिज फ्लोर्स विथ हिज गोपीज, इवन वी विल सो व्हाट इज दिस, हु हैज कम, ही इज एनी चीटर आर एनीवन, वी कैनॉट बिलीव। इसलिए बिना साधु संग के, साधु संग के द्वारा भक्ति होती है भाई। साधु संग क्या है वो? भक्तो संगेन परिजाय। साधु संग के द्वारा भक्ति होती है और उसकी मार्जना भी अनर्थ निवृत्ति, उसकी निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, ये सब वैष्णव के संग में ही होता है। जिसका जैसा भागवत भक्तों का संग होगा, जैसे इनका सत्यव्रत मुनि ब्रह्मवादियों का संग होने से उनका चित्त भी ऐसे ही हो गया, ऐसे साधु संग जैसा उसका साधु संग होगा, उसी के अनुसार उसकी रुचि निष्ठा इत्यादि होती है। इसलिए यदि साधुओं का संग न रहे, तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानुक्रमेण रसनामनिषी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलामित। हियर आल्सो तदानुरागी जनानुगामी, रूप गोस्वामी इज टेलिंग नाम कैसे लिया जाएगा, तदानुरागी तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी, अदरवाइज नेम कैनट क्या उसको प्रकाशित नहीं कर सकते अपनी महिमा को, कहने मैनिफेस्ट हिज ग्लोरी। सो साधु संग इज ऑल्सो एसेंशियल। सो आई टोल्ड ओनली दैट आई वॉज नॉट टेलिंग दैट नाम हैज नो ग्लोरी, आई वॉज नॉट टेलिंग। नाम की महिमा सर्वत्र है, सबसे उन्नत है, किंतु साधुओं के संग के बिना न तो भक्ति होगी न श्रद्धा, श्रद्धा भी नहीं होगी और की तो बात क्या। इसलिए साधु संघ पर हमें जोर देना चाहिए कि साधु संघ में हम भगवान का नाम करें और उच्च कोटि के साधुओं के साथ। वी कैन प्रे टू कृष्ण दैट फॉर हिज वेरी हाई क्लास ऑफ डिवोटीज दे आई हैव मे आई हैव दैट एसोसिएशन, विदाउट दैट वी कैनॉट develop our Krishna consciousness and name will not manifest his all Harikatha and anything. So now he is thinking that without Prema Bhakti we cannot have permanent Krishna Darshan. If he want to see Bal Gopal Roop, Bal Gopal form forever, eternal, then we'll have to attain Prema Bhakti. But Prema Bhakti is not a laddu of Mathura. Very rare. We have told so many times.
इसलिए मथुरा या प्रेमा भक्ति साधारण चीज नहीं है, भाव भक्ति ही नहीं साधारण है, सुदुर्लभा बहुत बहुत लाख सहस्त्र साधन करने पर भी भाव भक्ति नहीं होती तो प्रेमा भक्ति की क्या बात। कृष्ण भाव भक्ति इज नॉट इट इज अचीव, इट इज सो सुदुर्लभा साधन सहस्त्र भाव भक्ति इज सुदुर्लभ, बहुत ही सुदुर्लभ है। तो प्रेमा भक्ति की तो बात क्या, यदि भगवान का हम स्थाई रूप में दर्शन करना चाहते हैं तो कैसे होगा, प्रेमा भक्ति के द्वारा ही होगा, विदाउट प्रेमा भक्ति वी कैनॉट अचीव दैट थिंग। सो ही इज नाउ प्रेइंग, व्हाट इज प्रेइंग, कुबेरात्मज बद्धमूर्तै वजदवत् त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदर। सत्यव्रत मुनि वाज इन द सत्ययुग एंड ही इज प्रेइंग परहैप्स इन सत्ययुग एंड कृष्ण केम इन द्वापर आफ्टर थ्री युग्स, हाउ इट बिकम पॉसिबल, अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन। सत्यव्रत मुनि सतयुग में थे और सतयुग में मत्स्य देव की कृपा से उनके अंदर में ये सब स्फूर्ति हो रही, तो सतयुग में तो कृष्ण का आविर्भाव हुआ नहीं, ये तो हुआ द्वापर के अंत में, तो कैसे, अरे कृष्ण लीला इज एटर्नल, ऑल्सो कृष्ण इज एटर्नल, हिज लीला पास्ट टाइम्स आर ऑल एटर्नल, द युग्स आर कमिंग लाइक साइक्लिक ऑर्डर। सो लैक्स एंड लैक सतयुग त्रेता द्वापर हैज बिन गॉन, दिस इज नॉट फर्स्ट सतयुग, लैक्स एंड लैक्स हैज बिन। व्हाई ही इज प्रेइंग सो फॉर प्रेमा भक्ति, विदाउट प्रेमा भक्ति वी कैनॉट हैव द दर्शन ऑफ कृष्ण एटर्नल। हाउ ही बिलीव्ड इट, हाउ दिस थॉट कैन, कैसे ये भाव आया, भाव नेत्र से उन्होंने देखा, भाव भक्ति तो हो गई है क्योंकि अभी बतलाएंगे वो उनकी भाव भक्ति क्यों, श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है, आगे इसकी हम व्याख्या करेंगे। संजातो मई भावो वा अभिप्सित परमो भव, संजातो मई भावो, हमारे प्रति तुम्हारा भाव उत्पन्न हो गया है, कौन सा भाव, जब बिल्व मंगल को पीछे भाव प्राप्त हुआ, यह भाव जिसमें शुद्ध सत्व भगवान के प्रेमी भक्त अर्थात रागात्मिक भक्तों के हृदय से इसमें संचरित होता है, अभी भी स्थाई भाव नहीं हुआ होता, उसकी झलक थोड़ी सी होती है, और सात्विक भाव भी और संचारी भाव भी बहुत धुमायित रूप में उस समय में होते हैं, प्रज्वलित रूप में नहीं होते, वो प्रेम की अवस्था नहीं होती, ऐसा भाव जो प्रेम का पहला आभास है। ही इज टेलिंग, ही इज थिंकिंग विदाउट कृष्ण प्रेम, विदाउट प्रेम वी कैनॉट टेक दर्शन ऑफ कृष्ण एटर्नली। हाउ ही न्यू दिस थिंग, एट वंस एज ए ग्लांस कृष्ण दिस पास्ट टाइम्स came in his heart and he saw oh kuberatma jau baddha murtaiva jadvat not tvaya mochito bhakti bhajau kritau cha, he saw that kuber atma jau kuber ke jo putra the manigriv aur nalkubar manigriv wo baddha the और ऋषि के द्वारा अभिशप्त थे, उसके पहले बड़े दुर्गुणों में मजे हुए थे, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य उनके अंदर में था, किंतु ऋषि की कृपा से, नारद ऋषि की कृपा से उनकी बुद्धि जड़वत हो गई, अब संसारिक चिंतन वो सब खत्म हो गया ऋषि के दर्शन से,
और जड़वत वृक्ष हो गए, बुद्धि भी जड़ हो गई। बुद्धि जड़ होने पर अब इधर उधर की काम क्रोध इत्यादि रहा नहीं, बुद्धि जड़वत हो गई, वृक्ष जैसे हो गए। यह भगवान की कृपा थी। किस लिए? ये दंड देने से क्रोध ये सब इन क्या चीज चला जाएगा धीरे धीरे, और कृष्ण का दर्शन इनको हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा, बस प्रेमा भक्ति हो जाएगा। इस लीला को वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नलकुबर एंड मनी ग्रेव दे ड्रंकर्स एंड That's all bad qualities in them. They were Maya Baddha, conditioned soul. Even a conditioned soul, like briksha, like trees and creepers. By the grace of Narmuni, they became tree in Gokul, near the palace of Nanda Yashodaba palace. And they were touched by the udukhal of mortal charter. Mortal. And not touched by the feet or the body of Krishna. But even then, they were uprooted and they fell down. At once by the grace of Krishna, demigods, very beautiful, appeared to Krishna and began to do parikrama of Krishna, and after they were praying. Krishna told that at once you go to my Golok Vrindavan and you will be what? Singers of Harikatha. And they became Snigdhakanta and Madhukanta in the council of Nanda Baba and on the councils of gopis. And they became to glorify Krishna, all the past Leela which took place in Krishna pastime from up to bottom, all Praja Leela. Sometimes in the court, in the council of gopis, and sometimes in the council of Nanda Baba, all. And they became always the associator of Krishna. उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण की कृपा से प्रेमा भक्ति हुए बिना तो होगा नहीं ये दर्शन, तो उनको प्रेमा भक्ति पहले दिया, कैसे दिया? उसमें से निकल करके आए, उनकी परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करने के बाद में कृष्ण ने कहा, तुम्हें भाव भक्ति तो उत्पन्न हो गई है मेरे प्रति, अब तुमको प्रेमा भक्ति हो, जो हमारे स्वरूप को सदा काल के लिए देख सको, और हमारे नित्य लीला में गोलोक वृंदावन में तुम सिद्धकंठ और मधुकंठ बन करके हमारी लीलाओं का गान करेगा, और ऐसा गान करेगा विचित्र रूप में, सभी लोग समझे अरे अभी ये लीला हो रही है, सभी लोग रोएंगे हंसेंगे उस लीला को सुन करके, और मैं भी मुग्ध हो जाऊंगा इस लीला, एकदम अपना पार्षद परिकर बना दिया। कौन सा ब्रज का? कहते हैं जे प्रभु, अब ये सोच करके कह रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा अनंत है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कुबेर आत्मा जो बद्ध मूर्त वजत पर सत्य प्रतिमु मुनि फेल द मर्सी ऑफ ही क्या रियलाइज द मर्सी of Krishna. So he is telling that you were at that time Baddha by Yashoda robe, and yet you purified Nalkumar Manigrave and gave the Padvi of class of Nitya Associates Parshad ki aapne di. हम भी ऐसा चाहते हैं आपका रूप ये नित्य काल हमारे हृदय में स्फूर्ति हो, और आंखों से इसको मैं अध्यक्ष हमारे आंखों के सामने ये प्रकट रहे, ऐसा जब चाहते हो तो ये तो ब्रज बिना ब्रज में हुए हो नहीं सकता नित्य काल, इसलिए ब्रज में ही तुम्हारी गति देनी पड़ेगी, इसलिए ब्रज की गति दी।
यदि कृष्ण ने नारायण ने कहा कि हमारे समान पुत्र मांगा, कश्यप अदिति ने कहा या द्रोणधारा ने तुम्हारे समान हमारा कोई बेटा हो, तो कृष्ण ने कहा कि हमारे समान तो कोई बेटा हो ही नहीं सकता, तो हमको ही आना पड़ेगा। इस प्रकार से ये कुबेर के समान, कुबेर आत्मज के समान जो मांग रहे हैं प्रेमा भक्ति और सदैव कृष्ण का यह रूप देखना चाहते हैं, तो उनको तो ब्रज में ही रहना पड़ेगा, बिना ब्रज के ये नहीं हो सकता। इह न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदर इह, इह मीन्स में क्या इज हैज सर्टेन मीनिंग, इह ये माने इन दिस वृंदावन, इट सीम्स दैट ही वॉज प्रेइंग इन वृंदावन, बिकॉज विदाउट वृंदावन, आउट ऑफ वृंदावन दिस थॉट्स मे नॉट कम, इफ इट कम्स इन नवदीप इट इज ऑल्सो वृंदावन, एंड चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हिमसेल्फ इज देयर, सो इट मे कम इन नवदीप इन ऑल्सो पूरी इट मे कम बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु वाज देयर, सो विदाउट ब्रज इट कैन नॉट कम। सो इट सीम्स दैट सनातन गोस्वामी टेलिंग दैट इट सीम्स दैट ही वॉज इन ब्रज, विदाउट ब्रज दिस मूड कैन नॉट कम दैट ही कैन प्रे लाइक दिस। स्वरूप गोस्वामी हैव टोल्ड क्या तदानुरागी जनानुगामी तिष्ठन ब्रजे, विदाउट ब्रज इट कैन नॉट बी एनी फेयर, नॉट इन अयोध्या, नॉट इन द्वारका, नॉट इन काशी आर एनीथिंग, इट विल नॉट कम। सो वी विल एक्सप्लेन फर्दर, तब हम इसको आगे हम बतलाएंगे। कुबेर आत्मज बद्ध मूर्त जतवत त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च, आपने स्वयं बंधर में रहते हुए भी नलकुबर मन ग्रीव का वृक्ष जोनि से उद्धार कर उसे परम भागवत बना करके उसको प्रेम दे करके गोलोक वृंदावन में उसे भेज दिया। उसी तरह से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बंधे हुए रहकर जसोदा मैया के बंधन में बंधे रहकर और आंखों से आंसू निकल रहा हो, भक्त के वशीभूत हो रहे हो, वही रूप मैं देखना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा ही टोल्ड दैट आई वांट टू सी योर सेम शेप दैट वी आर एट दैट टाइम बेंडेड इन द जसोदा मॉर्टर and we are weeping and you are looking so beautiful and sweet, I want to see that too. Krishna told that you are so aap bade nishthur hai, so cruel hearted, you want that I should be always in the end binding, main sab samay bandhan mein rahu, और तुम ये देख करके तुमको आनंद हो रहा है, अपने हृदय में ऐसी रूप को धारण करना चाहते हो, अंडरस्टैंड कृष्ण टेल यू, यू आर सो क्रूअल, व्हाई यू वांट टू सी मी ऑलवेज फॉर एटर्नल दैट आई शुड बी बाइंडेड इन जसोदा मैया, डू यू वांट, नो प्रभु आई डोंट वांट लाइक, मैं नहीं चाहता, किंतु मैं ये चाहता हूं कि आपका वो रूप हमारे हृदय में रहे, किंतु चाहता हूं कि हमको क्या आग्रह नहीं है, न ग्रहों में स्थित न आग्रह क्वेश्चन चिन्ह, क्या हमें इसमें आग्रह नहीं है कि तुम्हारा बंधन खुल जाए, अरे आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपको कोई बंधन में नहीं डाल सकता, किंतु हमको यही अच्छा लगता है प्रभु आपका बंधन दूर हो जाए तो दूसरों के लिए हो, किंतु हमारे हृदय में यही जसोदा मैया के प्रेम के द्वारा ये बंधा हुआ रूप जो रो रहे हैं वह रूप हमारे सदा के लिए हमारे आइए, प्रणय रसनया धितांग, इसलिए कहते हैं त्वया मोचितौ, तुम बंधन अवस्था में ही और उन दोनों का बंधन से मुक्ति कर दिया सदा के लिए और अपना प्रेम भक्ति भी दे दिया, भक्ति भाजौ कृतौ च, यहां पर भक्ति माने प्रेमा भक्ति के द्वारा बंधन आपने स्वीकार कर लिया, एट दैट टाइम यू आर बाइंडेड एंड ऑल्सो नलकुबार और मणिग्रवेर इन माया, बट येट इन द सेम टाइम उन्होंने मुक्त कर दिया दोनों को, ही लिबरेटेड देम, नॉट ओनली लिबरेटेड
Bhakti Bhajo Kita Unko Bhakti Prema Bhakti he gave to them and sent to Golok Vrindavan. Tatha Prema Bhakti. Swakang me priyachha na mukhe graho. He telling. I don't want that I should be in Maya always. I also mukti, but it is play, yeah? Prarambhik. Beginning stage. Primary. I want your prema bhakti not to be out of Maya, not mukti. Because if prema bhakti comes, automatically he'll be out of Maya. So why to tell? कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको उज्जर रखा, उनको कहा अलग रखा. He is telling that I want your प्रेमा भक्ति स्वकांग स्वकांग मन से जो आपके हैं ऐसा प्रेमा भक्ति कैसे गोलोक वृंदावन के आपके जो अपने हैं परिकर हैं उनकी जैसी भक्ति कुबेर के जैसी भक्ति कुबेर के पुत्रों जैसे ही हमको भक्ति दीजिए जब सब समय अपने निकट रखें. किंतु इनसे भी उनकी संतुष्टि नहीं है पीछे के श्लोक से ऐसा मालूम होगा. He was not satisfied by this. New. Wanting is coming. Desires are coming to serve Krishna and to be with Krishna. तथा प्रेम भक्ति I want. Not moksha. Swakang me priyachha mesti damodareha. So you here he is telling that Sanjato Mai Bhav. Tumhara hamare prati bhav utpanna ho gaya hai. Bhav maane kya? Jagat mein bhav paana bhi bada bhari durlabh hai. To have bhav is so rare. It is the first glance of prema bhakti. By this, if bhav comes, then almost all the anartha goes away. A smell can be there, but no, he cannot come inward. Again, there is no birth and death in this world, if bhav comes. We know that Bharat Maharaj has received bhav. He had gone up to bhav. Chitraketu Maharaj, he has bhav. And after that he prema bhakti. So, by the curse of Parvati, Arshati, he came to this world. But his prema bhakti was not covered. He became like demon because her thoughts were of prema bhakti. He cannot come, he cannot take birth and death in this world. Maya cannot touch him. He came to please Krishna and to show the mercy of Krishna to all. Bhakta log jis kisi bhi avastha mein reh sakte hain, Maya unko sparsh nahi kar sakti hai. Asur kul mein janm lene par bhi, Vritasura ka kuch bhi nahi bigda. Wo Indra Tyadi se us samay bhi lakho guno shreshth hain. भक्तों के सिरम और है भागवत का यह लक्षण दिया गया है जिसमें वृत्तासुर की कथा है कहीं गई है जिसमें प्रहलाद महाराज जी की कथा है जिसमें ये सब कथाएं हैं. इसलिए उनका भी देखा जाता है भर्तरी भर्त हैज रिसीव्ड भाव बट एनी हाउ विश्वनाथ जगवर्ती ठाकुर इज टेलिंग to give a lesson to all ordinary bhakts. Bharata played a role. Actually, he was not charmed by that Hiran boy, dear. But he showed by his examples, because Krishna bhakta can show examples, not others can show examples. Bharji, बद्ध नहीं थे. भाव उत्पन्न होने के बाद में संसार की प्रवृत्ति नहीं होती.
तो उनका कैसे हो गया उस हिरण के शिशु में? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कभी उनके चरणों में अपराध मत करना जो वो बद्ध जीव थे और चले आए, नहीं तो अपराध हो जाए। जय विजय के लिए कभी मत सोचो कि वो बद्ध जीव थे। जय विजय नेवर केम फ्रॉम फॉल डाउन, ही वॉज इन हिज ओन स्वरूप एंड ओनली ही शोड फॉर अस। डोंट dishonor bhakt sir, only to show, and he was playing a role to give pleasure to his master Narayan. So we should not think. इसलिए भरत महाराज जी को वृत्रासुर को जय विजय को हम लोग उस रूप में नहीं देखना चाहिए जैसे साधारण लोग देखना चाहते हैं। इसलिए अंततः मध्यम अधिकारी सब इन तत्वों को जानेंगे। मध्यम अधिकारी शुड नो ऑल दिस थिंग, कनिष्ठ अधिकारी कैन नॉट इमेजिन ऑल दिस तत्व। सो वी शुड नॉट डिसऑनर एनी वन इफ ही चैंटिंग रिमेंबरिंग कृष्ण पास्ट टाइम्स एंड नेम। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव if it seems that he is not following the rules and regulation, then we should not have his association, but don't criticize him, other will have to go down. इसलिए यहां पर कह रहे हैं संजातो मई भावो वा अभिप्सिता परमो भव। अब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, क्या इच्छा? जो तुम अपनी इच्छा करो, कृष्ण के दर्शन करने के साथ ही साथ कृष्ण का स्पर्श करने से और उनकी स्तुति करने से इनके अंदर में हुई जो हम आपकी स्तुति करें, किनके? जमलार्जुन के। और जब ऐसी इच्छा हुई तो कृष्ण अच्छा ऐसा ही हो परमो भव, गोलोक वृंदावन में जाकर के वहीं पर हमारी स्तुतियां और गुणगान करना, ये और तुम हमारे साथ में रहेगा। इन स्थितियों का यह फल है। We see that we are doing and reciting this kirtan always, Namami Ishwaram or Namami Nanda Nandan or Munindra Binda Banditam or reciting Radhe Jai Jai Madhava Daiti. I think these are more powerful than this. Radhe Jai Jai Madhava Jai, more powerful. So we can have a hope that at any time Krishna may be merciful and he will sprinkle his mercy to us. So always be hopeful. Utsahat nishchayat dharyat tat tat karma pravartana. Never be hopeless. Kabhi bhi hatotsah mat ho, je nahi hoga, jarur hoga. Aur ho hi gaya hai, thoda sa baki hai. Aisa samjho. किंतु हृदय में दीनता रहे, उसके लिए उत्सुकता रहे, कब होगा, ऐसा होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कृष्ण इज टेलिंग दैट यू हैव फेल फ्रॉम द योनी ऑफ नलकुबर एंड मणिग्रीव एंड ही वाज जक्ष लाइक, जक्ष था नलकुबर मंदिर। एंड अगेन इफ यू आर नॉट टेकिंग द बेनिडिक्शन फॉर सॉल्वेशन यू विल हैव टू कम एंड टू टेक बर्थ इन दिस वर्ल्ड एंड यू विल हैव टू, तुमको ये भोगना पड़ेगा, यू विल हैव टू सफर इन दिस सफरिंग्स एंड सॉरोज ऑफ दिस वर्ल्ड, ओल्डनेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ रोग्स। So you should try to have a benediction for salvation. Why not? क्यों नहीं तुम मांगता? ऐसो मत, don't sleep. Anyone don't sleep. I am watching. I will tell them to stand up. So don't sleep and don't be like this. Sit very tightly. Otherwise Maya will come. So He is telling Krishna Jate, you should have a benediction and also pray, not hurry.
Kintu first you should give priority of this salvation. He told, I don't want. Whether if I am having your prema bhakti, then whether the mukti is coming or not, I don't like. I don't mind. It may be that lakhs and lakhs births can come, suffering and sorrow will come. But I don't mind. Like Vritrasu, like Jayavijaya. So I don't like. If it is coming, very good. Not coming, very good. But I want your prema bhakti. Because if there is a chintamani, we have received any chintamani. Hum logon ne koi chintamani pa diya. That can give anything. Humne kya kiya? Je chintamani se manga. We prayed to chintamani that he should give me 100 tons of gold. She gave. And we are going anywhere and we are taking the 100 tons of gold also and chintamani. It is foolishness. Whenever we want, chintamani can give lakhs, months and tons. What is the use of carrying it with also? Samajh rahe hain? Kya bola? Chintamani always converts iron into gold. No. So we should not need. No. It is parashmani. Parashmani that is. Parash is stone. Chintamani turns anything into gold. Everything. What we can. So we don't need to make tons of gold and carry with us when chintamani is with us. Whenever we need gold, we will touch and we will get gold. Yes. Not why? What is it? Desire. Chintamani. तो एक चिंतामणि होने से लाखों चिंतामणि मिल सकती है तो लाख चिंतामणि रखने की क्या जरूरत सोना ले जाने की क्या जरूरत जब भी कुछ मांगेगा वही दे देगी वो इसलिए बुद्धिमान पुरुष और को अलग से नहीं रखते उसी प्रकार से चिंतामणि से भी बढ़कर के ये प्रेमा भक्ति यदि प्रेमा भक्ति हो गई तो और किस चीज की क्या जरूरत है मुक्ति सुक्ति इत्यादि की कोई भी जरूरत नहीं है देयर नो नीड ऑफ salvation or anything, Vaikuntha or anything, no Dwarka, not anywhere. We have prema bhakti. By prema bhakti we can go to Gokul Vrindavan, Braja, and serve Krishna for always, eternally. So, any bhakti like this does not want any salvation or anything more. Only prema bhakti he wants. Especially he is telling, Iha Vrindavane, Prima bhakti jat prayaksha iti anvaya tatascha tatraiva tasya sukh vishesh adirbhav karatva pradurbhav visheshasya tatha tasya sakshat darshan vishesh akaratva tatha tatraiva tadbihari only he wants to be in Vrindavan, Iha. And anyone can tell only if he is in Vrindavan. Otherwise he cannot tell. Jadi hum Vrindavan mein hai, tabhi is shabd ka prayog hoga, Iha. Na? Vrindavan se bahar iska nahi hoga. Uske liye tad aur dusra kuch hoga, uska prayog. Isliye yah Vrindavan mein sada ke liye, atat prakat aprakat samast lilao mein, मैं आपके साथ रहूं और आपका इस दर्शन को करूं ऐसी वो मांग रहे हैं दैट इन दिस वेरी वृंदावन आई वांट टू बी एंड आई वांट बेनिडिक्शन टू लिव विथ यू टू सी यू ओनली इन दिस वृंदावन नॉट आउट ऑफ वृंदावन बिकॉज एनी हाउ जैसे तैसे भी इस वृंदावन में आने के वजह से ही हमारी ये प्रिया हुई वृंदावन के बाहर में मैं सारा जगत घूमा कहीं भी ये भावना नहीं आई जब वृंदावन में आया तो हमारे अंदर में ये भावना आई कि दामोदर जी के स्तव स्तुति करूं और इसी के कारण प्रेमा भक्ति की हो रही है जब वृंदावन में रहेंगे तो और भी कुछ प्रार्थना होगी अब उसके लिए
वो बतलाएंगे. क्या बतलाएंगे उसके लिए? नमस्तेस्तु धामने स्फुरदीति धामने तदीयोदरायथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाने तदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम. राधा दामोदर की स्तुति करते 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 अप्रेमा भक्ति मांगते मांगते उनके हृदय में सहसा राधा जी के प्रति ये भाव उमड़ आया. ओह आपकी ऐसी अनंत लीलाओं को, अनंत लीलाओं माने अनंत माने राष्ट्र लीला, उसमें अनंत लीलाएं उसमें समाविष्ट है. ऐसे लीला का वो स्मरण करके और राधिका जी का भी स्मरण करने लगे. मधुरेण न समाप्त, इस प्रकार से मधुर रूप में इसको समाप्त किया. बहुत संक्षेप में और उसके भावों को ढक करके अनाधिकारी इन चीजों को न स्पर्श कर सके इसलिए उन्होंने ऐसा कहा. इसलिए केवल एक ही महीने में नहीं, सदा के लिए ये गायन किया जा सकता है. इट इज फॉर एवर वेदर यू आर इन कंट्रोल ऑफ माया आउट ऑफ माया डेली वी कैन डू नॉट इन मल्ली कार्तिक मंथ. आई विल एक्सप्लेन दिस श्लोक परहैप्स टुमारो एंड ऑल्सो हाउ वी कैन अचीव दिस. वी विल फॉलो भजन रहस्य समटाइम उपदेशामृत मनस शिक्षा एंड द बुक्स ऑफ श्रील रूप गोस्वामी मनस शिक्षा स्टॉक ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. इट विल बी वेरी बेनिफिट फॉर अस. आज शाम को हम लोग 2 बजे यहाँ से निकलेंगे. 1 बजे तक अपना सब कुछ प्रस्तुत रखेंगे. टिल 1 o'clock इन द मिड डे यू शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड विथ बैगेज एंड बैगेजेस. कार विल कम, वी विल गिव इट एंड वी विल यात्रा आरंभ करेंगे. क्या वी विल बिगेन अवर जर्नी फॉर गोवर्धन. 1 बजे सभी लोग प्रस्तुत हो जाएंगे. @1 यू कैन डिक्लेयर ऑल्सो. और गोवर्धन आज पहुंचेंगे रास्ते में ऐठा चंद्र सरोवर. ऐठा ऐठी पैठी भी है वहाँ. ऐठा ऐठी वी विल सी देयर कृष्ण बिकम ऐठा and his beloved become Aethi, Paitha, and everything, all we will explain there. Go Premanande. Also, all the devotees who are in the Dharmashala, we should leave the Dharmashala before 11 o'clock, except luggage which we do not want to take on Parikram. We can bring it here in room number 18. After Parikram, we can pick it up. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Attention please. There is an announcement. Who will leave India before 18th, they will keep their luggage room number 6 in ground floor. And who will with us up to home parikrama, they will keep their luggage room number 18. They can contract with Samaladiti. And who are living in Dharmasala, they have to vacate Dharmasala.